नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ सोमवार यानी कि आज 8 नवंबर को, आपको बता दें, इसको लेकर 2016 में नोटबंदी को लेकर चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना सकती है। बताया जा रहा है कि इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि नोटबंदी के लिए आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और मनमाने तरीके से फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक RBI को सरकार के 2016 में 1,000 रुपये और 500 के नोटों को बंद करने के लिए फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इस तरह के फैसलों को दोहराया ना जा सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की है। दरअसल 8 नवंबर 2016 को ही पीएम मोदी ने अचानक से टीवी पर लाइव आकर नोटबंदी का फैसला सुनाया था और इस ऐलान के बाद पूरे देश में उथल पुथल मच गई थी। लोग कई दिनों तक, सुबह से रात तक, ATM और बैंकों की लाइन में लगे रहे थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इससे पहले पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अडानी जर्नल और बैंकेट टर्मनी RBI के लिए वकील और इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें भी सुनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो आपको बता दें, फैसले के खिलाफ दायर है 58 याचिकाएं, ऐसी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2016 में नोटबंदी को लेकर आज फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये जानकारी बता दें आपको। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी नोटबंदी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को सरकार के 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिया था और इस तरह के फैसलों को दोहराया ना जा सके और इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 की बात करें तो पीएम मोदी ने अचानक से ही टीवी पर लाइव आकर नोटबंदी का फैसला सुना दिया था और इस ऐलान के बाद से पूरे देश में उथल-पुथल मच गई थी। सभी लोग परेशान हो गए थे। लोग कई दिनों तक, सुबह से रात तक, ATM और बैंकों की लाइन में लगे रहे और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और इससे पहले पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल और इसके साथ ही बैंकटरमणि और RBI के और इसके साथ ही वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं ने वकीलों की दलीलों सुनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था। नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति एक बार फिर से लौट आई है। हालांकि बीते दिन 4 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में ठंड और कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन 2023 की शुरुआत के साथ ही लोगों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ सकती है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक बताया गया है कि अगले 2 दिनों में रात के तापमान और गिरावट आने की संभावना है और दिल्ली में सोमवार को यानी कि 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है और इसके साथ ही आसमान साफ रह सकता है। और इससे पहले रविवार की अगर बात करें यानी कि 1 जनवरी की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया है कि जनवरी महीने में सर्दी का खासा अनुभव होने की संभावना है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली में 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं सुबह हल्का कोहरा रहेगा और दिन में धूप निकलने के आसार है।
दिल्ली में 4 से और 5 जनवरी को फिर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और इस दिन राज्य का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को शीतलहर के भी बताया जा रहा है कि शीतलहर के साथ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है और 6 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि सुबह हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया गया है और दिल्ली में 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके अलावा IMD के ताज़ा पूर्ण अनुमान के अनुसार बताया गया है कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना भी जताई गई है। तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। बता दें आपको, बर्फबारी के बाद से ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण अब लोगों को ठंड का एहसास बढ़ता ही जा रहा है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट रहने की भी चेतावनी दे रहा है। बता दें आपको कि नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में शीतलहर की स्थिति एक बार फिर से लौट आई है। हालांकि बीते दिन 3-4 दिनों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में ठंड और कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन 2023 की शुरुआत ही लोगों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ सकती थी और जो झेलनी पड़ी भी है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बताया गया है कि अगले 2 दिनों में रात के तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आसार है और इसके साथ ही आसमान साफ रह सकता है, यह भी जानकारी सामने आई है। अगर इससे पहले की बात करें तो रविवार को न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी महीने में सर्दी का खासा अनुभव होने की संभावना है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली में 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और वहीं सुबह हल्का कोहरा रहने और दिन में धूप निकलने के आसार जताए गए हैं और दिल्ली में 4 और 5 जनवरी को फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इस दिन राज्य का तापमान बताया जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को शीतलहर के साथ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। 6 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं सुबह हल्का कोहरा रहने का अनुमान है और दिल्ली में 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मेक्सिको में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जेल पर हमला बोल दिया है और इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है और न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बताया गया है कि रविवार को अज्ञात संख्या में बंदूकधारियों के हमले में उत्तरी मैक्सिकम और इसके साथ ही शहर सियुदाद जुआरेज के एक जेल में 14 लोगों की मौत हो गई और 24 कैदी भाग गए हैं, ये जानकारी सामने आई है। बता दें आपको कि चुहावुआ स्टेट प्रोसिक्यूटर के ऑफिस की ओर से एक बयान बताया गया है कि हमले के दौरान अज्ञात संख्या में बंदूकधारियों ने वक्त बंद गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया और मृतकों में 10 जेल प्रहरी और सुरक्षा एजेंट भी शामिल है। बताया भी जा रहा है कि बंदूकधारियों ने रविवार को उत्तरी मैक्सिकम और शहर सियुदाद सुआरेज में एक जेल पर हमला बोल दिया और जिसमें 14 लोग मारे गए हैं जबकि 24 कैदी जेल में भागने में सफल भी रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। बयान में ये भी कहा गया है कि हमले में कुछ देर पहले हथियारबंद लोगों ने बुले वार्ड के पास ही नगरपालिका पुलिस पर गोलीबारी की और इसके बाद हमलावरों ने जेल के बाहर सुरक्षा एजेंटों के और एक अन्य समूह पर गोलीबारी की। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों के परिजन परिसर के बाहर नए साल के मौके पर मुलाकात का इंतजार कर रहे थे और फायरिंग की घटना के बाद जेल और उसके आसपास
आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय मीडिया ने बताया है कि जेल के अंदर कुछ दंगाई कैदियों ने कई वस्तुओं में आग लगा दी और जेल प्रहरियों के भीड़ में ही भिड़ गए। और इसके साथ ही बहरहाल ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि 24 कैदी कैसे फरार हो गए। फिलहाल हमला क्यों किया गया इस बात की भी जाँच की जा रही है। बेंगलुरु में एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। व्यक्ति की लाश दिन बता दें आपको 1 जनवरी एक कार में मिली है और मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है और इसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित 6 लोगों ने उसका उत्पीड़न किया और इसी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। व्यक्ति की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है और अभी तक की जांच में पता चला है कि प्रदीप ने 2018 में बेंगलुरु के एक क्लब में 1.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और अपने सुसाइड नोट में उसने बताया है कि 2 लोगों ने उससे वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था और कई बार मांगने के बाद भी गोपी और सौम्या ने उसे पैसे नहीं वापस किए। सुसाइड नोट में यह भी कहा गया है कि प्रदीप को ब्याज चुकाने के लिए कई लोन लेने पड़े और भुगतान करने के लिए अपना घर और जमीन भी बेचनी पड़ी, जिसके बाद व्यक्ति ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो बता दें आपको बेंगलुरु से खबर है जहां पर ये आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उसने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला किया है और बताया है कि बेंगलुरु में ही एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर यह आत्महत्या की है। व्यक्ति की लाश बीते दिन यानी कि 1 जनवरी को एक कार में मिली थी और मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था और इसमें उसने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित 6 लोगों ने उसका उत्पीड़न किया, ऐसा उसने आरोप भी लगाया था और इसी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और पुलिस ने जब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है कि प्रदीप के रूप में की गई है और अभी तक जांच में पता नहीं चल पाया है कि प्रदीप ने 2018 में बेंगलुरु के एक क्लब में 1.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो था इन्वेस्ट किया हुआ था और अपने सुसाइड नोट में उसने बताया है कि 2 लोगों ने ही उससे वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का भी वादा किया था और कई बार मांगने के बाद भी गोपी और सौम्या ने जब उसे पैसे वापस नहीं किए तो व्यक्ति परेशान हो गया। उसने सुसाइड नोट में ये भी कहा कि प्रदीप को ब्याज चुकाने के लिए कई लोन लेने पड़े और भुगतान करने के लिए अपना घर और जमीन भी बेचनी पड़ी है। तो आपको बेंगलुरु से खबर बता दें जहां पर सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक सहित 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने बीजेपी के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सुसाइड नोट भी व्यक्ति ने लिखा है, उसमें साफ तौर पर कर्ज से परेशान होकर व्यक्ति ने आत्महत्या करने की बात कही है और इसके साथ ही बीजेपी के 2 विधायकों पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति लौट आई है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान जताया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई है और जिसके कारण लखनऊ, वाराणसी, आगरा और जौनपुर, लखीमपुर खीरी, इटावा और गोरखपुर में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। भारत में मौसम विज्ञान के अनुसार कहा गया है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में दो चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और इसके अलावा यूपी में ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूलों का समय बदल गया है और लखनऊ में क्लास 1 से 8 तक के स्कूल जो हैं वो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही चलेंगे। ये समय अगले 10 जनवरी तक लागू रहेगा और लखनऊ
बीएसए अरुण कुमार ने आदेश जो है वो जारी कर दिया है। तो कई जिलों में स्कूल बंद होने की भी जो संभावना थी वो तब्दील होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ गया है और वहीं स्कूली बच्चों को इससे परेशानी ना हो इसको लेकर भी बड़ा अहम फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे और कुछ जगहों पर जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें आपको कि नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में शीतलहर की स्थिति लौट आई है और मौसम विभाग के अगले 3 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा की बात करें और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो घने कोहरे का यहाँ पर अनुमान जताया गया है। बता दें आपको मौसम विभाग के साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके कारण लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, इटावा और गोरखपुर में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार कहा गया है कि पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में न्यूनतम तापमान जो रहेगा उसमें 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना जताई गई है और इसके अलावा यूपी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूलों का समय जो है वो बदल दिया गया है और लखनऊ में कक्षा 1 से ही 8 तक के स्कूलों को लेकर भी अब राहत की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 1 से 8 तक के स्कूलों में जो बताया जा रहा है कि समय में बदलाव किया जाएगा, ठंड का प्रकोप को देखते हुए ये बदलाव किया जाएगा और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि ठंड को लेकर लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए सभी को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, ठंड को लेकर लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि ठंड को लेकर जो मौसम विभाग है उन्होंने स्कूल के समय को लेकर भी जानकारी दी है और इसके साथ ही बताया है कि जो स्कूलों का समय है वो भी बदला जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि समय का जो अगले समय का जो बात करें तो 26 जनवरी तक ये लागू रहेगा स्कूल का समय और लखनऊ बीएसए अरुण कुमार ने यह आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें ठंड को लेकर लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है और इसको लेकर कई ट्रेनें भी रद्द की जा रही हैं। आपको बता दें कि एक ही ट्रैक पर जो ट्रेनें हैं उनको भी रद्द की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आई है कि ठंड को लेकर ट्रेन का भी समय जो है उसको बदला जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अलाव की भी व्यवस्था जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ठंड को लेकर लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है और इसके साथ ही लोगों को भी सुरक्षित रहने की चेतावनी लगातार दी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।